जननायक जनता पार्टी के युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उनका दल आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगा। चुनाव में जीत के बाद वे तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने को प्राथमिकता देंगे। दिग्विजय चौटाला आज क्षेत्र के गांव छोटी ममेरा में राकेश सिहाग के आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने गठबंधन से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के साथ साथ केंद्र में प्रधानमंत्री बनाने तक के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उनके साथ जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित चावला, युवा जिलाध्यक्ष अजय बोला, युवा अल्पाध्यक्ष अंजनी लड्डा सहित अन्य कई प्रमुख लोग भी थे। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का अपमान है, उनका अपमान जननायक जनता पार्टी कभी भी नहीं सहेगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हम सबके लिए आदरणीय हैं, थे और रहेंगे, और इतने बड़े लीडर जो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हों, कल का नेता उनके बारे में इस तरह की छोटी बात कहे, ये कहीं ना कहीं एक वृद्ध नेता के लिए जिसने हरियाणा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, ताउम्र हरियाणा के लिए संघर्ष किया, उनके लिए अगर ऐसी छोटी बात एक कल का नेता कहेगा तो फिर इसको हम सहन नहीं करेंगे। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें इसके लिए निंदा जो है ना, उनको उनकी पार्टी को निंदा प्रस्ताव इसके लिए देना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि उससे भी ज़्यादा शर्मसार ये है कि इनेलो जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही देन है, उनने बहुत लंबा संघर्ष उस पार्टी को लेकर के किया, उस पार्टी के भी सीनियर नेता इस पर कुछ नहीं कह रहे, ये और भी ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि वो अपने वृद्ध नेता के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि उनकी लड़ाई तो केवल मात्र जो है अपने लोभ और लालच तक सीमित रह गई। वो तो बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, तो ये बड़ा चिंताजनक विषय है। अब अभी इनेलो से बयान है, करण चौटाला जैसे काफी भगवा और हरा एक होने वाला है, अभय चौटाला ने भी काफी गठबंधन हो सकता है, तभी मैं हैरान हूँ। चलो गठबंधन तो होते हैं, टूटते बिखरते रहते हैं, इनका राजनीति के अंदर आना जाना चलता रहता है, गठबंधन चुनावी प्रक्रिया का एक तरीका है, मगर सिर्फ उस लोभ लालच में कि हम अपने लोगों को जिता पाएं, मैं ये मानता हूं कि इतनी छोटी बात भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष कहे और उसको सहन कर लेना तो बहुत गलत है। गठबंधन करेगी या जननायक जनता पार्टी सकारात्मक सोच की पार्टी है, हमारा नेतृत्व दुष्यंत जी का जो नेतृत्व है वो पॉजिटिव थिंकर है, हम हरियाणा के अंदर हर वर्ग के लोगों को साथ लेना चाहते हैं, हमारी इस सवारी में हम हर 36 बिरादरी के आदमी को जगह देना चाहते हैं, और उसके अंदर अगर कोई पार्टी ऐसी है जो वर्ग विशेष का नेतृत्व करती है तो उसको साथ लेने में, समान विचार के जो लोग हैं उनको साथ लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी से जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की बातें चल रही हैं, लंबे स्तर पर कई बैठकें हो चुकी हैं, जो कोई कमियां पेशियां हैं वो आपस के जो टॉप लीडर्स हैं वो डिस्कस करके उनको दूर करेंगे। मैं मानता हूं कि होली के बाद मैं जो सोचता हूं कि कोई अच्छी खबर हम सबके लिए आएगी। मतलब ये मान के चले कि आम आदमी पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन तय है। मैं ये मानता हूं कि अगर जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता है तो उससे बहुत मजबूती इस गठबंधन को मिलेगी और जनता के सामने एक मजबूत विकल्प होगा, शहरी ग्रामीण दोनों ही तबके जो है वो मजबूती से और 36 बिरादरी मजबूती से इस चुनावी रण को लड़ पाएगी। सीट शेयरिंग भी होगी, सीट शेयरिंग को लेकर के पार्टी के आलाकमान फैसला करेगी, ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मगर सम्मानजनक स्थिति में दोनों पार्टियों को रहना चाहिए, और जब सीट शेयरिंग हो जाए उसके बाद मैं ये मानता हूँ फिर दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सोच के चुनाव लड़ना चाहिए कि ये किसी पार्टी विशेष का कैंडिडेट नहीं बल्कि गठबंधन का कैंडिडेट। अभी तक अगर मान लो ये तो अभी संभावना की बात है कि गठबंधन होगा और ईश्वर करे कि आपका जो जैसा आप सोच रहे वैसे ही हो, लेकिन अगर कल को गठबंधन की बात नहीं बनती है तो क्या सभी 10 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तैयार हैं, आपकी तैयारी पूरी है? हम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ लेवल पर और ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में हर गली तक हमारा प्रचार जा चुका है, शहर के हर वार्ड तक हमारा प्रचार जा चुका है, हर कस्बे तक हर नुक्कड़ तक हमारा प्रचार जा चुका है। आज छोटे दुकानदार के यहाँ हो
या खेत खलिहान में हो, खेल के मैदान में हो, किसी व्यापारी की दुकान में हो, या कोई कर्मचारी हो, हर वर्ग जो है वो इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में जेजेपी के साथ खड़ा है। चुनाव निशान को लेकर अनिल विज मंत्री और अशोक तंवर से लेकर इनेलो तक ने टिप्पणी किया तो उसकी। चुनाव निशान देखो बड़ा अच्छा निशान है, कॉमन मैन सिंबल, यानी गरीब से गरीब आदमी के पैरों में जिसके पास साइकिल भी नहीं उसके पास चप्पल जरूर होगी। शायद इस समूचे राष्ट्र में ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके पैरों में चप्पल ना हो, तो कॉमन मैन सिंबल है। अमीर से अमीर और गरीब से गरीब को, हर बिरादरी को, हर वर्ग को कनेक्ट, अगर किसी चीज़ पे आके कनेक्ट कोई होता है। कपड़े भी हम सब अलग अलग तरीके के पहने मगर हम सब चप्पल जरूर पहनते हैं, चप्पल जो है वो सबको कनेक्ट करता है। बड़ा अच्छा निशान है और इस निशान, ये जो राहों में मुश्किलात जो बीजेपी और कांग्रेस ने खड़ी करी है उस पर चलने के लिए हमारी जो है ना वो मदद करेगा। चप्पल जो है इसको एक एंगल देखने का, इसकी इंटरप्रिटेशन चौधरी देवीलाल जी का ये खड़ा हुआ है, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो हरियाणा का चौमुखी विकास होगा। चप्पल जो है ये हमें झुकना सिखाता है, राजनीति में कमेरे वर्ग की तरफ देखने के लिए हमें झुकना पड़ेगा। हमें ये समझना होगा कि जो आज अति पिछड़ा वर्ग है, जो आज हमारे दलित भाई हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, उनकी मुश्किलात क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं, किसान जो छोटा किसान है उसके खेत में उसको क्या समस्या आती है, उसको समझने के लिए जब हम अंतिम छोर तक नज़र डालेंगे तो कहीं ना कहीं चप्पल उसमें हमारी मदद करेगी। प्रधानमंत्री के तौर पर आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भी आपकी सबसे पसंद करेंगे? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है, हम तो दोनों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। हम 1987 का 89 का दौर लौटाना चाहते हैं जब कोई तीसरा विकल्प भी इस देश में खड़ा हो सके। क्या लगता है, क्या सिर्फ दो ही आदमी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? ऐसा नहीं है, प्रजातंत्र नहीं, अभी तक का जो सिनेरियो है उसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी भी है, मायावती जी भी हैं, उसके साथ साथ ये अखिलेश यादव भी है, बहुत से लोगों के नाम चल रहे हैं, बीजू पटनायक भी है, बीजू जनता दल का। मैं ये मानता हूँ कि जो रीजनल पार्टीज हैं जिस क्षेत्र में भी जो बीजेपी कांग्रेस को हरा सकती हैं, लोग उनके साथ सवार होकर उन्हें मत देंगे। प्रधानमंत्री के पद का फैसला चुनावों के पश्चात होगा। जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में से किसी को भी अपना वोट नहीं? बिल्कुल स्पष्टता से, हम अपना मत जो है वो राष्ट्रवाद के हितों की रक्षा के लिए, खेत में किसान के लिए, देश की सीमा पर जवान के लिए और इस देश की नौजवान पीढ़ी के लिए, बड़े बुजुर्ग के सम्मान के लिए, महिला नारी को शक्ति मिले, व्यापारी सशक्त हो और कर्मचारी की सोच की सरकार बने, वो व्यक्ति जो इस सब के लायक और काबिल होगा हम उसको मदद करेंगे। मेरी इच्छा ये है कि दुष्यंत जी चुनाव विधानसभा कर लें। दुष्यंत जी का कल बयान यह आया कि नहीं, वो ही स्वयं चुनाव लड़ेंगे। अब ये तो उनकी इच्छा है और पार्टी की, मैं मानता हूँ कि जो सीनियर लीडरशिप है, चुनावी कमेटी है 3 मेंबर की, उसने तय करना है कि कौन कहाँ टिकट पाता है। सिरसा लोकसभा से भी हम कई सारे उम्मीदवारों पर जो है ना उस चयन प्रक्रिया पर नज़र डाल रहे हैं। मैं मानता हूँ कि हम जो उम्मीदवार देंगे वो मोस्ट रिलायबल और पढ़ा लिखा उम्मीदवार देंगे, सशक्त मजबूत उम्मीदवार देंगे, ऐसा उम्मीदवार देंगे जो सबका प्यारा हो और सबको साथ लेकर के चल पाए। क्योंकि विधानसभा चुनाव भी सब ही है, एलनाबाद के लिए, एलनाबाद से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोई घर का ही चुनाव, ये हमारे घर की सीट है, चौधरी देवीलाल जी का कर्म क्षेत्र है, एलनाबाद से परिवार का सदस्य चुनाव लड़े। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करके अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करना न भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें ताकि हमारा अगला वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच सके। तब तक आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल डी।